देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी माँ की रोते रोते आंखें सूख गई हैं, दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। इमरान प्रतापगढ़ी, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराज गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सके। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित बेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है शिक्षक राधापल्ली सर्वकृष्णन जी की, ये आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी माँ की रोते रोते आंखें सूख गई हैं, दिल्ली चुप है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं। ऑनरेबल मेंबर विल पुट ऑन रिकॉर्ड ऑन द टेबल द डिसीजन रेफर्ड टू हिम बाय यू। मेड रेफरेंस टू अ डिसीजन, put it on table of the house.